हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम वेलकम इंडिया स्टडी। हिंदी से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, हिंदी से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आप कैसे बनाएंगे? हिंदी से अंग्रेजी बनाने में जो अल्फ़ाबेट के जो नियम हैं, अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं, उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बिल्कुल बेसिक जानकारी और शुरुआत से ही। ये वीडियो उनके लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं, या जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और हमने आज से शुरुआत कर ली है, आपको इंग्लिश सिखाने का एक ज़िम्मा ले लिया है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को विजिट करते रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे, तो आप निश्चित ही इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हिंदी की वर्णमाला है उसको, उसके अंग्रेजी में जो अक्षर बनते हैं उनको जो है हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यद्यपि ये बहुत ही सरल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत आज यहीं से करने वाले हैं। बाकी बेसिक से शुरुआत करके एडवांस की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ होता है, आ आ। ये इसको हम अपनी गांव की भाषा में, देहाती भाषा में छोटा आ कहते हैं। छोटा मतलब जैसे जिससे अमरूद, आ से अमरूद, या आ से अनार बनता है, वो ए से बनता है। आ की अंग्रेजी ए होती है, छोटा आ से ए। इसको हम कहते हैं जिसमें ये एक डंडा लगा हुआ है, बड़ा ये डबल ए से बनता है, इसको कहते हैं छोटी ई। जिससे इमली बनती है, जिससे इमली लिखा जाता है, ये बनती है छोटी ई। ई से बनती है और आई से भी बनती है। बड़ी जिससे हिंदी में ईक लिखा जाता है, ईश्वर, ईक, इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बनाते हैं ना, लिखते हैं, तो इसकी बनावट कैसी होती है? ये बनती है डबल ई से या आई से, ये बनती है डबल ई से या आई से। ये छोटा ऊ है, जैसे उल्लू, छोटा ऊ जैसे उल्लू बनता है, उल्लू लिखा जाता है छोटा ऊ, ये बनता है यू से। बड़ा ऊ जैसे ऊट, तो ये बनता है यू से और डबल ओ से, यू लगा होगा या डबल ओ लगा होगा, जैसे जहाँ पर अब उच्चारण की आवश्यकता होती है वैसे वहाँ पर उसकी अंग्रेजी या स्पेलिंग में उसको लिख दिया जाता है। ए, ए और ई दोनों से बनता है, आए, ए आई से बनता है, ओ ये ओ से बनता है, आओ आओ ए यू से बनता है, अंग ए एन से बनता है, आहा ए एस से बनता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। का, का के से बनता है। यद्यपि यहाँ पर जो है के ए बना दिया जाता है, खा के एस ए लिख दिया जाता है, वो जब हम आपको बताएंगे ट्रांसलेट करना किस तरह से हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी के नेम्स हैं, हिंदी के जो नाम हैं, उनको कैसे आप बनाएंगे अंग्रेजी में, वो हम सब बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। का कैसे बनता है, खा कैसे बनता है, गा जी से बनता है, घा जी एस से बनता है, और इंग्या एन से बनता है। चा सी एस से, छा छाता, ये सी डबल एस से, जा जे से, झा जे एस से, और इंग्या एन से। टा ये टमाटर लिखते हैं आप, या कुछ भी लिखते हैं आप, टा टा से, तो टा से टा के लिए टी आता है, टा टी से बनता है, ठा टी एस से बनता है, डा डी से बनता है, दा दा दबात, दा ढा सॉरी ढा ढक्कन जो होता है, ढा ढक्कन डी एस से बनता है, टा ठा डा ढा अणा एन से बनता है। ता, ता तलवार, तकली, तरबूज, या ता ये जो है ये वाला ता टी से बनता है, था टी से बनता है, दा डी से बनता है, धा डी से बनता है, और ना एन से बनता है। पा पी से बनता है, फा पी एच और एफ दोनों से बनता है, फा पी एच और एफ दोनों से बनता है। बा के लिए बी आता है, बा के लिए बी एच, और मा के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए युवा, वकील, या वट जो होता है, ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, इसके लिए डब्लू डब्लू भी यूज होता है और वी भी यूज होता है। सा, सा सीटी, जो सीटी वाली ये सा है, इसके लिए एस एच यूज होता है। ये सा षटकोण, एस एस से, सा सरौता, सफेरा जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वो एस से बनता है। हा हल, ये एच से बनता है। छा छत्री, ये जो छा छत्री बना हुआ है, छा, तो ये के एस एच, के एस एच, और इसको
एक्स से भी बनाते हैं, एक्स भी लगता है कहीं कहीं पर, एक्स भी लगा देते हैं इसमें। त्रा, त्रा त्रिशूल टी आर से बनता है। और सबसे लास्ट में ज्ञा, ज्ञानी जी वाई। ये जो मेन मेन जो शब्द थे, जो टोटल जो शब्द हैं वो मैंने आपको बता दिए, किस तरह से आप इनको यूज करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और किस तरह से क्या बनता है। बस हमें बेसिक से शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने आज आपको ये बेसिक से अल्फ़ाबेट, हिंदी से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आपको ये वीडियो बना के दिखाया। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने रहिए लगातार हमारे चैनल में, क्योंकि हम लगातार आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक हमें बताएं कमेंट करके कि इस टॉपिक पर, इस विषय पर, या इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर आपकी सेवा में लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।